इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा टेबल फ़ैन देख पा रहे हैं, जो हमारा हाई स्पीड का जो हमारा टेबल फ़ैन है, इस टेबल फ़ैन को हम अनबॉक्सिंग करेंगे। और इस टेबल फ़ैन का जो हमारा पार्ट से जो हमारा अलग में रहता है जो पार्ट्स, इस सारे पार्ट को हम फिटिंग करके और हमारा फ़ैन को स्टार्ट करके देखेंगे यहाँ पर इस फ़ैन में कितना स्पीड है, इस सारे चीज़ को हम टेस्ट करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं। अभी यहाँ पर हम बॉक्स से सारे पार्ट्स को हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बॉक्स के अंदर से हमारा इतना सारा सामान हमको मिला है। इन सारे चीज़ों को हमको फिटिंग करना है। चलिए हम फिटिंग को स्टार्ट करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले हम यहाँ पर हमारा मेन मोटर से हम स्टार्टिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा स्क्रू मिलता है, जो हमारा इसमें लगने वाले जितने सारा स्क्रू है इसको हम यहाँ पर मिल जाता है। पहले हम इसको अंदर घुसाएंगे। अब हम इसको यहाँ पर फिटिंग करेंगे। पहले डालेंगे यहाँ पर, और हमारा सामने वाले साइड में ढक्कन में हमारा चार स्क्रू मिलता है। इन चार स्क्रू को हम अच्छे से टाइट करेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरे स्टेप में हम यहाँ पर इसके जो पीछे से पीछे में एक स्क्रू डालेंगे। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए इसको भी हम यहाँ पे डालेंगे, जो हमारा मूविंग करने का जो स्विच है इसको हम यहाँ पे डालेंगे। दूसरे स्टेप में हम इस वाले इसको हम फिटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस स्टेड का उपयोग करेंगे इसको इस चीज़ को हम अटकने के लिए। यहाँ पर पहले हमको ढक्कन को डालना पड़ेगा। यहाँ पर ढक्कन को डालने के बाद हम यहाँ पे अब यहाँ पर हम प्लेट को यहाँ पे सेटअप। अब यहाँ पर लगभग हमारा जो फैन है यहाँ पर हमारा फिटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर नीचे वाला जो ढक्कन है इसको हम फिटिंग करेंगे। यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं। पीछे के ढक्कन को फिटिंग करने के लिए हम इनको यहाँ से कैपेसिटर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे।
अब यहाँ पर हम स्क्रू लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए पूरा फिटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारा फैन का जो लुक है ये हमारा बहुत अच्छा सा लुक कर रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत शानदार लुक है इस फैन का जो। चलिए अब हम यहाँ पर सप्लाई डाल के हम चेक करेंगे यहाँ पर हमारा फैन का स्पीड कितना हो रहा है ये सब सारे चीज़। अब यहाँ पर हम इस फैन को जो फैन को फिटिंग किया था इस फैन को हम टेस्ट करेंगे यहाँ पर हम। चलिए हमारा यहाँ पर सप्लाई बोर्ड है इसमें हम पिन को डालते हैं यहाँ पर देखिए हमने पिन को डाल दिया। अब यहाँ पर हम पॉइंट चूज करेंगे, पहले हम 3 स्टेप्स से हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा फैन से बहुत ज़्यादा स्पीड निकल रहा है। यहाँ पर देखिए अब हम 2 नंबर स्टेप पे हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा और स्पीड बढ़ा है 1 स्टेप में हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फैन है ये हमारा हाई स्पीड में घूम रहा है। अब साउंड बहुत ज़्यादा स्पीड में हमारा फैन घूम रहा है। यहाँ पर देखिए सकते हैं यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से हमारा फैन घूम रहा है। यहाँ पर देखिए